आज हम फ्लावर नेल आर्ट बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम दो नेल पेंट को साथ में मिक्स करेंगे। आप चाहो तो नेल पेंट भी ले सकते हो या तो कलर भी ले सकते हो। मैंने जो लिया है ये कलर है, तो पहले ब्रश से इसे फैला ले। अगर आप दोनों बराबर रखना चाहते हो तो बराबर भी रख सकते हो। मैं इस कलर को थोड़ा कम रख रही हूँ और दूसरे को थोड़ा ज़्यादा रखूँगी। ये पर्पल है और दूसरे में मैंने वाइट लिया है, वाइट। आप इसको ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन उसमें कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप इसी स्पंज से ब्लेंड करो। और ये बिल्कुल सूखा होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। और धीरे धीरे इसी तरह टैप टैप करके आपको इसको ब्लेंड करना है। अगर कलर सूख जाए या नेल पेंट थोड़ा सूख जाए तो आप दोबारा वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोबारा से हल्का हल्का रंग या फिर नेल पेंट आप लगा सकते हो। अगर आप रंग ले रहे हो तो दूसरा रंग लेने से पहले ब्रश को अच्छे से धो लेना, और हल्का हल्का रंग ही लगाना है, ज़्यादा नहीं। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और ये हो चुका है। ब्लेंड आप करोगे तो बिल्कुल सीधा सीधा करना है, आगे पीछे नहीं करना है उसको। अब इसमें फ्लावर बनाना है, तो आपको जो भी कलर पसंद हो, उसके पहले तो आप जितने पत्ते बनाना चाहते हो फूल के, उतने डॉट लगा लो। अगर आप कलर ले रहे हो तो अगर वो सूख भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब उसको आप हल्का हल्का पानी से फैलाओगे तो वो फैल जाएगा। और यहाँ पे आपको कलर ही लेना है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप चाहो तो नेल पेंट ले सकते हो, क्योंकि वो फैलेगा ही नहीं उस तरह से, तो आपको कलर ही लेना होगा। इसके ऊपर से आप नेल पेंट लगा दोगे ना, जो ट्रांसपेरेंट वाला आता है, तो वो ख़राब नहीं होगा, पानी से भी ख़राब नहीं होगा। फिर ब्रश को हल्का सा गीला करना है, बिल्कुल हल्का सा, ब्रश में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। और फिर इसको कलर को हल्का हल्का फैलाना है। ब्रश को भींगाने के बाद, जब आप ब्रश को भींगा लोगे तो उसको अपने हाथ में ब्रश को एक दो बार चलाओगे ना तो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। और फिर उस डॉट को हल्का हल्का धीरे धीरे इस तरह से फैलाना है, बिल्कुल आराम से, हड़बड़ाना नहीं है वरना वो ख़राब हो जाएगा। अगर कलर सूख भी गया है तो आप हल्का सा ब्रश को उस जगह पर गोल गोल घुमाओगे ना तो वो भींग जाएगा पानी की वजह से, पर ब्रश में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। और हाँ, नेल पेंट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो इस तरह से काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपको कलर ही लेना होगा। और वैसे तो ये तैयार हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, इसमें वाइट वाइट डॉट दे करके, और वो भी मैं ब्रश से ही दे रही हूँ हल्का हल्का, इससे थोड़ा और अच्छा दिखेगा। उसे उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छा ही बना है। इंडिया में ऐसे नेल आर्ट बहुत कम ही देखने को मिलते हैं वैसे।